गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड पोएम 7, डेड एंड द कैट एंड द ट्री, पेज नंबर 107. इट इज़ रिटन बाय कैट राइट. बिफोर स्टार्ट टू रीड दिस पोएम, वी डू सम वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग ऑफ पोएम 7, गोट स्टक फंस गई, वोबली अस्थिर, स्कोप्ड मजाक उड़ाते हुए हंसे, लैंडेड नीचे गिरे, गोट आउट लेकर आए, डर्ट धूल, स्वंग झूलना, लैंडेड वेल ऑप धड़ाम से गिरे, विंकिंग पलक झपकाना, लीप छलांग, क्रूक गोदिया खोकल, येल चीखना, स्प्रेंग कूद पड़ी, प्लीज्ड एज पंच बहुत खुश, सेफ एंड साउंड सही सलामत, स्मिर्किंग दुष्टता से हंसना, समग बहुत संतुष्ट. डियर स्टूडेंट, राइट एंड लर्न दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक. लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोएम. हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग ए ट्री? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई. कई बार बिल्ली बहुत ऊंचा चढ़ जाती है. एंड गेट स्टक इन द ट्री, और पेड़ पर फंस जाती है. द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प, और बेचारी बिल्ली बिना किसी मदद के नीचे नहीं आ सकती. हाउ वुड यू हेल्प इट, आप उसकी कैसे मदद करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम, मुझे विश्वास है पोएम में डैड की तरह नहीं. इज डैड अ गुड क्लाइंबर, क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर हैं? वट वर हीज प्लान्स, उनकी योजनाएं क्या थी? रीड द पोएम टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए पोएम को पढ़ें. दिस मॉर्निंग अ कैट गोट स्टक इन अवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. इट मीन्स आज सुबह हमारे पेड़ पर एक बिल्ली फंस गई. डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी, डैड ने कहा ठीक है इसे मुझ पर छोड़ दो. द ट्री वॉज वोबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गॉडनेस सेक डोंट फॉल. इट मीन्स द ट्री वॉज वोबली, जो पेड़ है वो अस्थिर है, यानि कि एक जगह पर नहीं रहता. उसका जो तना है वो कमज़ोर है या हिलता डुलता लचीला है. द ट्री वॉज टॉल, और पेड़ कैसा है, लंबा है. मम सेड फॉर गॉडनेस सेक डोंट फॉल, मम्मी कहती है भगवान के लिए गिरना मत. फॉल स्कोप्ड डैड अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी. इट मीन्स फॉल गिरना, स्कोप्ड डैड, डैड मजाक उड़ाते हुए हंसे, अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा क्लाइंबर, चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी, यह बच्चों का खेल है. यू वेट एंड सी, तुम वेट करो और देखो. ही गोट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. इट मीन्स ही गोट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, और जो डैड है वो गार्डन में बड़े शेड से, जो गार्डन में बना हुआ था शेड मीन्स स्टोर से, लैडर को लेकर आए. इट स्लिप्ड, और यह स्लिप हो गई. ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो नीचे गिर पड़े फूलों की क्यारी में. नेवर माइंड सैड डैड बर्शिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट, वी विल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सैड डोंट फॉल अगेन. ओके, नेवर माइंड सैड डैड, डैड ने कहा कोई बात नहीं. बर्शिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, और डैड ने जो डर्ट लग गई थी उनके हेयर पे, फेस पे, ट्राउज़र पे और शर्ट पे, उस डर्ट को उन्होंने ब्रश किया मीन्स झाड़ दिया. वी विल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन. ओके,
वी विल ट्राई प्लान बी, हम प्लान बी को ट्राई करेंगे. स्टैंड आउट ऑफ द वे, रास्ते से दूर हो जाओ. मम सेड डोंट फॉल अगेन, मम्मी ने कहा दोबारा से मत गिरना. ओके. फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक. देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक. डैड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द डेक. मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक. इट मीन्स फॉल अगेन, दोबारा गिरना. सेड डैड, डैड ने कहा. फनी जोक, मजाक कर रही हो. देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच, इट ब्रोक. और वो एक डाल को पकड़कर झूल गए. इट ब्रोक, और यह टूट गई. डैड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द डेक, और डैड दोबारा से धड़ाम से फर्श पर वापस आ गिरे. मम सेड स्टॉप इट, मम्मी ने कहा बस करो. यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपनी गर्दन को तोड़ दोगे. रबिश सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी. अब डैड कह रहे हैं रबिश, बकवास. नाउ यू विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी को ट्राई करेंगे. इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी, और यह मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए पलक झपकाने के बराबर आसान है. देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल. गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल. ही गेव ए ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट. देन तब ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, तब वो गार्डन की जो वॉल है, दीवार है, उस ऊंची दीवार पर चढ़ गई. गैस व्हाट, गैस करो क्या हुआ. ही डिडंट फॉल, वह नहीं गिरे. ही गेव अ ग्रेट लीप, उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई. एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, और वो पेड़ की खोकल में जाकर, तने का जो खोकल होता है उस पर उन्होंने जाकर सीधा लैंड किया. वहाँ पर वो फंस गए. राइट ऑन द कैट, बिल्ली के बिल्कुल पास. द कैट गेव अ यल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिकिंग स्मंग एज कैन बी, बट पुअर डैड, सॉरी पुअर ओल्ड डैड स्टील. द कैट गेव अ यल, बिल्ली चीखती है. एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और उसने डर के मारे नीचे जमीन पर छलांग लगा दी. प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और वह नीचे आकर सही सलामत आकर खुश है. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, और वह मुस्कुराती है. स्मिर्किंग और मुंह चिढ़ाती है. स्मंग एज कैन बी, और बहुत खुश है, संतुष्ट है. बट पुअर ओल्ड डैड स्टील, लेकिन बेचारे बूढ़े पिता अब स्टक अप द ट्री, अब वो पेड़ पर फंस गए हैं. डियर स्टूडेंट्स, रीड दिस पोएम 2 or 3 टाइम. इट्स टाइम टू डिस्कस द क्वेश्चन अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज डैड श्योर ही वुडंट फॉल, डैड को क्यों विश्वास था कि वह नीचे नहीं गिरेंगे. विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट, इस पोएम में कौन सी फ्रेज डैड के सेल्फ कॉन्फिडेंस को अच्छे से एक्सप्रेस करती है, बबताती है. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कंसिक्वेंस, प्लान ए का वर्णन करें और इसके परिणाम भी बताएं. क्वेश्चन नंबर 4, प्लान सी वॉज ए सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग विद देन, प्लान सी सक्सेस हो गया था, व्हाट वेंट रॉन्ग देन, तब क्या गलत हुआ. क्वेश्चन नंबर 5, द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड, बिल्ली जमीन पर आकर बहुत खुश थी. पिक आउट द फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस दिस आइडिया, और जो फ्रेज इस आइडिया को, इस विचार को एक्सप्रेस करती है, उसको पिक आउट करें. क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम, कैट की और डैड की सिचुएशन, स्थिति के बारे में बताएं
पोएम के आरंभ में भी और अंत में भी उनकी सिचुएशन के बारे को हमने डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई एंड व्हेन डिड डैड से ईच ऑफ द फ्लोइंग। डैड ने कब, नीचे दिए गए शब्दों को कब और क्यों कहा। द फर्स्ट वर्ड इज फॉल, नेवर माइंड, फनी जोक, रब्बिश। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस, रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ। क्या पोएम मजाकिया है। रीड अलाउड लाइन्स विच मेक यू लाफ, उन लाइन्स को पढ़ें जो आप, जिन पर आपको हंसी आती है। वेल स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम। इट इज योर टूडेज वर्क। थैंक यू।